आज के एपिसोड में अनुपमा हसमुख पोछा लगाने वाला ब्रश लेती है। वह फर्श क्लीनर से राखी के पैरों को ब्रश करके बदला लेती है। राखी नाराज हो जाती है। अनुपमा कहती है कि शाह के घर में जूता लेकर कोई नहीं चलता, यह जानने के बावजूद वह चली। वह फर्श साफ करती है। लीला अनुपमा से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। अनुपमा लीला से उसे ऐसा करने के देने के लिए कहती है। अनुज ने हसमुख से फर्श की सफाई के बजाय जीके के साथ पार्क का दौरा करने के लिए कहा। राखी ने अनुपमा को कपाड़िया होने के बावजूद फर्श साफ करने के लिए ताना मारा। अनुपमा राखी से कहती है कि वह कड़ी मेहनत को न आके। राखी का कहना है कि उन्हें पता चला कि कैसे बरखा ने शाह की हाउस वार्मिंग पार्टी का अनादर किया। किंजल अनुपमा का पक्ष लेती है और राखी से पूछती है कि क्या उसने नहीं सीखा कि अनुपमा ने स्थिति को कैसे संभाला। राखी किंजल से पूछती है कि वह कहाँ है। किंजल ने राखी को बताया कि वह अनुपमा के घर पर थी। कॉल पर पाखी आदिक से बात करती है। अधिक पाखी से कहता है कि उसे उससे बात करना अच्छा लगता है। बाद में राखी किंजल के गोद भराई के बारे में घोषणा करती है। अनुपमा और लीला राखी के खिलाफ खड़ी है। वे चाहते हैं कि राखी शाह के घर गोद भराई करे। राखी अनुपमा और लीला से बहस करती है। अनुपमा का कहना है कि वनराज और काव्या घर पर नहीं है, इसलिए किंजल की गोद भराई स्थगित हो सकती है। राखी अडिग हो जाती है। किंजल ने अनुपमा और लीला का पक्ष लिया। वह शाह के घर में गोद भराई करवाने के लिए तैयार हो जाती है। राखी अडिग हो जाती है और कहती है कि अगर तारीख की जगह शाह की मर्जी है तो वह तय करेगी। अनुपमा राखी की बात मान जाती है। राखी शाह को किंजल के गोद भराई की जल्द से जल्द तैयारी करने के लिए कहती है।